Hello students, how are you everyone? I hope that you will be safe and happy at home. In this video, we are going to begin a new chapter, chapter number 2, how the dog found himself a new master. एक डॉग होता है वो अपने नए मालिक को कैसे ढूंढता है इसके बारे में एक स्टोरी दे रखी है इसको हम शुरू करते हैं बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड आपको ये पता ही होगा आप ये जानते होंगे कि कुत्ता और वॉल्फ वॉल्फ किसको बोलते हैं भेड़िए को ठीक है इस पिक्चर में देखो ये भेड़िया है और ये डॉग है ठीक है तो ये दोनों क्या है एक दूसरे से संबंधित हैं ठीक है इनका व्यवहार क्या है इनका बिहेव एक दूसरे से संबंधित है ठीक है यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स और आपको ये भी पता होगा कि बहुत शताब्दियों पहले कई शताब्दियों पहले इंसान ने इन जंगली जानवरों को कैसे घरेलू और पालतू बनाया हियर इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टैम एनिमल यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है उसमें बताया गया है कि डॉग हैं वो एक पेट एनिमल कैसे बना ठीक है तो शुरू करते हैं हम इसको डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ बहुत समय पहले क्या होता था डॉग हैं वो इन भेड़ियों की तरह स्वतंत्र रूप से रहते थे फ्रीडमली रहते थे इंडिपेंडेंट थे वो ठीक है लिबरली रूप से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे वो खुद के ही मास्टर थे ठीक है इनके ऊपर कोई मास्टर नहीं था उनका कोई मालिक नहीं था जैसे कि भेड़िए का होता है भेड़िया जंगल में रहता है वैसे वैसे डॉग भी क्या है पहले जंगल में रहते थे ठीक है यहाँ पे दे रखा अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ यानी इल प्लीज्ड का मीन क्या है नॉट हैप्पी है ना ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग यानी कि ये ओल्ड वर्ड है ठीक है ये कहने का एक तरीका है इल प्लीज्ड का मीन होता है नॉट हैप्पी तो इसमें एक डॉग होता है वो क्या है अपनी इस वे ऑफ लाइफ से हैप्पी नहीं था खुश नहीं था ठीक है ही वॉज सीक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही वो क्या है सिक हो गया था कमज़ोर हो गया था और थक गया था क्यों टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट वॉन्डरिंग क्या होता है रोमिंग यानी घूमते हुए ठीक है यानी खुद वो घूम रहा था क्यों घूम रहा था लुकिंग फॉर फूड खाने के लिए वो उधर उधर भटक रहा था इसलिए वो थक गया था बीमार हो गया था एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन और उसको डर भी था किन लोगों से कि वो सॉरी किन जानवरों से जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर थे ठीक है तो उन जानवरों से वो उसको डर भी लग रहा था इस वजह से वो थक गया था और उसके दिमाग में ये विचार आया ठीक है कि इस तरीके की ज़िंदगी बहुत ख़राब है ठीक है ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर उसके बाद उसने ये सोचना बंद किया और उसने डिसाइड किया क्या डिसाइड किया द बेस्ट थिंग यानी कि सबसे अच्छा रास्ता ये होगा उसके लिए कि वो एक किसी इस धरती पर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर है उसका सर्वेंट बन जाए ठीक है उसका नौकर बन जाए और ऐसा सोच कर वो क्या है ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर सेट आउट का मीन क्या होता है बिगेन या स्टार्टेड तो उसने क्या है ऐसे मास्टर को ढूंढना शुरू कर दिया ठीक है कैसे मास्टर को द मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ ओके ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज वो चलता रहा ठीक है यानी कि ढूंढ रहा है मास्टर को तो चलते चलते वो जा रहा था तो उसको क्या है कोई मिलता है अ किन्समैन ऑफ हिज यानी कि उसी का एक किन्समैन मिलता है किन्समैन क्या होता है रिलेटिव या फिर ऑफ द सेम फैमिली तो हमने सबसे पहले देखा है यहाँ पर देखो ये क्लोजली रिलेटेड कौन है भेड़िया ठीक है तो यही होगा उसका रिलेटिव देखो इसमें बता रखा है अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स यानी एक बड़ा सा
भेड़िया उसको मिलता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि फियर्स। फियर्स क्या होता है? वॉयलेंट, ठीक है, फ्राइटनिंग, हिंसक या डरावना। तो वो उसको मिलता है, वॉल्फ मिलता है, वो पूछता है उसको, देखो वेयर आर यू गोइंग डॉग, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? द वॉल्फ आस्क्ड, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। तो डॉग जवाब देता है कि मैं अपने किसी मालिक को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, ठीक है। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? वॉल्फ डॉग किसको पूछ रहा है? इस भेड़िए को, ठीक है। आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वॉल्फ सेड। वॉल्फ ने आंसर दिया कि क्यों नहीं, जरूर अवश्य मैं तुमको अपनी सर्विस पर रखूँ। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और दोनों के बीच में ये समझौता हो गया, ठीक है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, तो समझौता होने के बाद वो दोनों साथ साथ चल दिए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक, चलते गए चलते गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इन टू द बुशेज एंड क्रैप्ट डीपर इन टू द फॉरेस्ट। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, देखो वो चल रहे थे, चलते चलते जंगल में जा रहे थे, तो अचानक ये वॉल्फ क्या करता है, लिफ्टेड हिज नोज, यानी कि अपनी नाक है उसको लिफ्ट करता है, ऊपर उठाता है, और स्निफ्ड, स्निफ्ड का मीन क्या होता है, सूंघना, ठीक है, स्मेल करना, ठीक है। वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज एंड स्मेल्ट, ठीक, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ। डार्टेड ऑफ क्विकली का मीन होता है रन अवे फास्ट, ठीक है। तो उसने सूंघा और फिर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगा, इन टू, कहाँ जाने लगा, इन टू द बुशेज, बुशेज क्या होता है, झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियों के अंदर वो भागने लगा, क्रैप्ट डिपर, झाड़ियों के अंदर घुस करके क्रैप्ट करने लगा। क्रैप्ट क्या होता है, क्रॉलिंग करना, जैसे कि बच्चा रेंगता है, छोटा बच्चा वैसे, ठीक है, रेंग करके वहाँ झाड़ी के अंदर जाने लगा, ठीक है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, ये देख करके वो डॉग है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, ठीक है। यहाँ पर डार्टेड का मीन दे रखा है, देखो मूव्ड क्विकली या सडनली, ठीक है। वर्ड्स कम ओवर यू मास्टर, कि क्या समस्या है मास्टर, ही आस्क्ड, यहाँ पे कौन पूछ रहा है, डॉग, व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो, तुमको किस बात ने इतना डरा दिया, ठीक है, किससे पूछ रहा है ये डॉग, वॉल्फ से, भेड़िए से। तो भेड़िए क्या जवाब देता है, देखो कांट यू सी, क्या तुमको नहीं दिखता है, देर इज अ बियर आउट देयर, वहाँ एक भालू है, बाहर एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाएगा, ठीक है। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। तो डॉग वहाँ पर देखता है कि इस भेड़िए से ज़्यादा पावरफुल कौन है, ज़्यादा ताकतवर भालू है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अब उसकी सेवा करेगा, किसकी, बियर की। एंड ही लेफ्ट वॉल्फ एंड आस्क्ड बियर टू हिज मास्टर, और वो भेड़िए को वहाँ छोड़ देता है और बियर के पास जाता है, भालू के पास जाता है, और पूछता है उसको कि आप मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडीली एंड सेड, तो भालू तो क्या है, पहले से ही तैयार था अपना कोई नौकर बन जाए, सर अपनी सर्विस पर कोई आ जाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो दोनों एग्री हो गए, ठीक है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या है, भालू क्या है, मास्टर है, और उसका सर्वेंट कौन है, डॉग, ठीक है। लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, तो भालू बोलता है चलो चलते हैं और एक गाय का झुंड है उसको ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, मैं एक गाय को किल करूंगा, ठीक है, मारूंगा, और हम दोनों उसको क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है, और अपनी भूख मिटाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है, भालू। देन सॉरी दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ हर्ड ऑफ काउज, वो वहाँ से चल दिए और उन्होंने एक गाय के झुंड को देखा। हर्ड क्या होता है, झुंड, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैटल। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, और जैसे ही वो वहाँ पर क्या है, शिकार करने वाले थे यानी झपट्टा मारने वाले थे गाय के ऊपर, तो वो क्या, एक टेरिबल नॉइस, टेरिबल क्या होता है, भयानक, ठीक है, फियरसम या हॉरिबल, भयानक वॉइस से
वो रुक जाते हैं। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। वो देखते हैं वहाँ पर वो काउ है वो मूइंग कर रही थी। मूइंग क्या होता है? साउंड मेड बाय काउज, यानी गाय का रंभाना, ठीक है। वो रंभा करके सभी डायरेक्शन में वो भाग रही थी, ठीक है। और वो क्या थी? पैनिक थी, डरी हुई थी, डर के मारे सभी दिशाओं में वो भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। वो बियर क्या करता है, एक पेड़ के पीछे से ये सब देखता है, जिसे पिक्चर में दिख रहा है। देखो एक ट्री है, इसके पीछे ये छुपा हुआ है, डॉग भी है, और यहाँ पर देखो ये काउज है, ठीक है। वो क्या उधर भाग रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बियर वहाँ से देखता है। एंड देन ही टू, और उसके बाद वो खुद भी, कौन? बियर रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। वो भी क्या है, हेस्टिली वहाँ से भागता है। हेस्टिली क्या होता है? क्विकली, ठीक है, जल्दी ही, तेजी से वहाँ से वो जंगल की तरफ भागता है। कौन? बियर। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों। सेड ही टू द डॉग, उसने डॉग को कहा, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। वहाँ पर एक लॉयन है, शेर है, जो कि जंगल के इस हिस्से पर राज करता है, ठीक है। रूल का मीन क्या होता है? राज करना, ओके। द लायन हु इज ही, द डॉग फिर उसको पूछता है बियर को कि शेर ये कौन है। डोंट यू नो, क्या तुमको नहीं पता? ही इज द स्ट्रांगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो इस धरती का सबसे ताकतवर जानवर है। बीस्ट का मीन क्या होता है? एनिमल, ठीक है। इस धरती का सबसे ज़्यादा ताकतवर एनिमल है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं भालू तुमको भी क्या है, गुड बाय कह रहा हूँ, ठीक है। आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं ऐसे मालिक की खोज कर रहा हूँ, ऐसे मालिक को ढूंढ रहा हूँ जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ये डॉग कह रहा है बियर को, ठीक है, यानी कि वो भालू को भी छोड़ देने वाला है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और ऐसा कह करके डॉग वहाँ से चला जाता है और लॉयन को जा करके पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लॉयन एग्री टू इट, लॉयन क्या है, एग्री हो जाता है इस बात के लिए। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, फिर वो दोनों साथ साथ जंगल में रहने लगते हैं, ठीक है, यानी बहुत समय तक वो दोनों साथ में रहते हैं। कौन? लॉयन और डॉग। इट वॉज अ गुड लाइफ, डॉग के लिए क्या है, ये बहुत अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और अब उसके पास कोई शिकायत करने के लिए कोई बात नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी उसको अपनी लाइफ से। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, और इतने टाइम वो जंगल में रहा तो उसने देखा कि इस जंगल में शेर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई जानवर नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कोई उस डॉग को टच कर सके और उसको ऑफेंड यानी मैक एंग्री, ठीक है, यानी कि उसको गुस्सा दिला सके, ऐसा कोई नहीं कर रहा था, ठीक है। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो दोनों चलते चलते जा रहे होते हैं, ठीक है, वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं साइड बाई साइड, यानी कि साथ साथ, अलोंग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, यानी कि ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जो कि बेयर क्लिफ्स के बीच में से होकर जा रहा था। क्लिफ्स क्या होता है? रॉक्स, ठीक है। बेयर का विदाउट कवर या फिर नेक, ठीक है, यानी कि खड़ी चट्टानों के बीच में से ये रास्ता जा रहा था। क्लिफ्स क्या होता है? रॉक्स, ठीक है, चट्टान। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, उसमें जा रहे थे तब अचानक द लायन स्टॉप, लायन क्या है, रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट होल फॉर्म्ड देयर। तो वहाँ पर अचानक शेर रुक जाता है और वो जोर से दहाड़ता है, ठीक है, एंड स्ट्रक द ग्राउंड, ठीक है। स्ट्रक क्या होता है, यानी कि पंजे को जोर से ऐसे नीचे की तरफ रगड़ना, ठीक है। तो स्ट्रक करता है ग्राउंड को, कितना गुस्से से स्ट्रक करता है कि उसके पंजे से वहाँ पर क्या है, एक होल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एक खड्डा हो जाता है नीचे, ठीक है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और उसके बाद
वो वापस वहाँ से मुड़ करके धीरे धीरे चुपचाप जंगल की तरफ चलने लगता है। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज। अब डॉग फिर से सरप्राइज हो गया कि मास्टर क्या बात है, क्या कुछ गलत है, यानी क्या कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा पूछता है। कौन डॉग, किसे? लॉयन से। आई स्मेल मैन कमिंग दिस वे, वो कहता है कि यहाँ पर मैंने पता लगाया कि सूंघ के पता लगाया कि एक आदमी इस तरफ आ रहा है। ठीक है, द लॉयन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं या फिर हम दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा कि हम दोनों यहाँ से भाग जाए। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। तो डॉग फिर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं तुमको भी छोड़ करके जा रहा हूँ। ठीक है, आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मैं ऐसे मास्टर की खोज कर रहा हूँ जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और उसको छोड़ने के बाद लॉयन को उसने गुड बाय कह दिया और वो उस आदमी के पास चला गया। ठीक है, एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। और वो दोनों फिर एग्री हो गए, मैन और डॉग। ठीक है, और डॉग क्या है, उसकी सेवा करने लगा फेथफुली। ठीक है, फेथफुली तरीके से उसकी सर्विस करने लगा। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये सब बहुत समय पहले घटित हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और उस दिन से डॉग क्या है, आदमी का सबसे वफादार सर्वेंट है। ठीक है, मोस्ट लॉयल सर्वेंट है। और उस दिन के बाद से डॉग अपने किसी नए मास्टर की खोज भी नहीं कर रहा है, वो यहाँ हैप्पीली अब मैन की सर्विस कर रहा है, सेवा कर रहा है। ठीक है, यही थी अपनी छोटी सी स्टोरी।